क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है? दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाएं तो नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया में शुरू हुआ तो कुछ इस तरह की चीज़ें शुरू जिनको हम पॉन्जी स्कीम्स के नाम से जानते हैं, इनको हम चिट फंड स्कीम एक स्कीम है। मैं लोगों का एक नेटवर्क बना करके, लोगों को इकट्ठा करके उन्हीं का ही पैसा उन्हीं के बीच में बांटने का प्रचलन किया गया। 25 दिन में पैसा डबल। तो धीरे 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 सरकार में भी इस बात के बारे में जागृति आई और सरकार को समझ में आया कि ये सेक्टर अभी बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी की और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को उस परिप्रेक्ष्य में देखा कि जो कि इलीगल हैं, ओके। और साथ ही साथ उन्होंने मौका दिया ऐसी कंपनीज को जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कंपनीज को मौका दिया जो गुड्स एंड सर्विसेज में को सेल करके पैसा कमाने का मौका अपने नेटवर्क के लोगों को देती हैं। वो लोग जो नेटवर्क बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लेजिटिमेट कंपनी का नाम दे करके सरकार ने भी इस बात के लिए बाध्यता कर दी, हर व्यक्ति के लिए, हर कंपनी के लिए, कि वो उस दायरे में काम करें। तो यस, इस सवाल का जवाब है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है और वो लोग जो इलीगल काम तरीके से करते हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा स्कोप नहीं है। सरकार उन पर अपना शिकंजा कस रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पुनः मिलूंगा अगले प्रश्न के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।